संत शिरोमणि कबीर दास जी के प्रकट उत्सव में जुड़े हुए इस कार्यक्रम के आप सब लोग जो न केवल हरियाणा से बल्कि हरियाणा के बाहर से भी यहाँ सभी लोग पधारे हुए हैं, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार जी, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नारायण सिंह केसरी जी, संत कबीर धानक समाज से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, इस कार्यक्रम में आने के लिए जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और उनको सम्मान के साथ मैं नारायण सिंह केसरी जी को दादा कहते हैं, वो पिछले 3 महीनों से जब भी मुझे मिलते थे तो उनका कहना था कि हमें फतेहाबाद चलना है। तो मैं उनसे एक सवाल करता था कि दादा आप तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये मुझे हरियाणा में क्यों ले जाना चाहते हैं? वो कहते थे कि मैं संत कबीर का जो संदेश है वो केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूँ बल्कि पूरे देश में, और जहाँ जहाँ हमारे संत कबीर के अनुयायी हैं उनकी वाणी को अनुसरण करने वाले हैं उन सब के बीच में हम जाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले को चुना। हरियाणा के इस ऐतिहासिक और समृद्धशाली क्षेत्र में यहाँ के मेहनती लोगों के बीच आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस समारोह को कबीर प्रेमियों का महाकुंभ भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जब हरियाणा के बाहर के विभिन्न राज्यों से भी यहाँ प्रतिनिधि आए हैं तो इसको यदि हम एक मिनी इंडिया का स्वरूप कहें तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं है। फतेहाबाद के लिए एक और सुखद संयोग है, मुझे बताया गया कि आज ही के दिन ठीक 21 वर्ष पहले 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद एक जिला घोषित हुआ था, और इस अवसर पर आकर मुझे और भी प्रसन्नता हो रही है। भाइयों और बहनों, इस आयोजन में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने के देशव्यापी अभियान के रूप में हरियाणा के पानीपत से एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब इस अभियान ने बेटियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एक निर्णायक जंग का रूप ले लिया है। पिछली जनगणना के आंकड़ों में देखा गया कि हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफी कम थी। हरियाणा के निवासियों और यहाँ की सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप लड़कियों का ये अनुपात काफी बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि बेटियों के अनुपात में बढ़ोतरी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये हरियाणा सरकार की सराहनीय सफलता है। इस विशेष उपलब्धि के लिए तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के अनेक पैमानों पर हरियाणा सरकार ने जो सफलता पाई है मैं उसके लिए राज्य सरकार की भी सराहना करता हूँ। राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी समाज के उन वर्गों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं जिन्हें विशेष मदद की जरूरत होती है, वे दिव्यांगों, गरीब मरीजों
और आपदा पीड़ितों की सहायता के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी योग्यता और प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेरी ओर से उनको इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि हरियाणा में संत और समाज सुधारक कबीर के प्रकट उत्सव को हर जिले में मनाया जा रहा है और जनता को उनकी शिक्षा से अवगत कराया जा रहा है। कबीर साहब की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए जितनी प्रासंगिक उनके समय में थी उतनी आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। हर व्यक्ति का हम लोग जानते हैं का जन्म किसी न किसी कुल जाति क्षेत्र व संप्रदाय से संबंधित परिवार में होता है, लेकिन हमारे समाज की ये विडंबना है कि उस व्यक्ति की पहचान उसके कुल जाति क्षेत्र और संप्रदाय से ही की जाती है। सही मायने में व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और अवगुणों से होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ या महान बन जाता है तब उसे महापुरुष भी कहते हैं। हमें कबीर का मूल्यांकन भी इसी रूप में करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कबीर शब्द का अर्थ होता है महान या विशाल। वे संतों के संत कहे जाते हैं। कबीर साहब की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरु नानक देव अपने प्रवचनों में उनकी वाणी का उल्लेख किया करते थे। पश्चिम में महाराष्ट्र के संत तुकाराम से लेकर पूर्वोत्तर में असम के शंकर देव जी तक अनेक महान संतों ने अपने प्रवचनों में कबीर का बहुत सम्मान के साथ उल्लेख किया है। संत कबीर की महानता का एक बहुत बड़ा पक्ष है उनकी सरलता। ऐसी सरलता जो सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए ज्ञानी में ही संभव हो सकती है। पाप और पुण्य तथा सत्य और असत्य के विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन जिस सरलता और प्रभाव के साथ संत कबीर इस विषय को स्पष्ट करते हैं वो दुर्लभ है। अपनी सादा और सटीक शैली में वे कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात जो सच्चा आदमी है उसके हृदय के अंदर ईश्वर स्वयं वास करता है। कबीर एक महान समाज सुधारक भी थे। सामाजिक समता को लेकर संत कबीर की सोच बहुत साफ थी और वो कहते थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही। ऐसे विचारों द्वारा उन्होंने बड़े छोटे भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चेतना जगाई। संत कबीर ने सत्य का मंडन करने के साथ साथ असत्य का खंडन भी किया। उन्होंने ये खंडन डंके की चोट पर और बड़े ही दो टूक लहजे में किया है। कुरीतियों, कर्मकांडों और आडंबरों पर प्रहार करते समय उनकी भाषा शैली में एक विशेष आत्मविश्वास टपकता है। वह एक ऐसे संत का आत्मविश्वास है जिसकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि कबीर के वंश के लोग बुनकरों का काम किया करते थे। उन्होंने भी जीविका के लिए यही काम किया, लेकिन एक संत और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज का ताना बाना नए तरीके से बुना। उन्होंने अपने समय के रूढ़िग्रस्त समाज को नया रास्ता दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के समाज में कमजोर वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को, उपेक्षित लोगों को अपनी पीड़ा को बयान करने का भी हक नहीं था। असमानता के उस माहौल में संत कबीर ने सच्चाई की ऐसी अलग जगाई कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनकी वाणी को आदर के साथ सुनने लगे और उनके अनुयायी भी बनने लगे। संत कबीर ने बोलने वालों और सुनने वालों का रिश्ता ही बदल दिया। अब कबीर कहते थे और लोग उन्हें सुनते थे। संत कबीर ने समानता और समरसता का रास्ता दिखाया।
यही चेतना 20वीं सदी में महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों में पाई जाती है। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन पर संत कबीर के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों पर आधारित है। समाज के सबसे कमजोर और निरीह आदमी की मदद करना, उसका साथ देना एक संवेदनशील समाज और सरकार की पहचान होती है। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान में हमारी सरकारें कबीर के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं का सृजन और उनका कार्यान्वयन कर रही हैं, जिनमें गरीबों के हितों का अधिकतम ध्यान रखा जा रहा है तथा समाज में असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ये और भी खुशी की बात है कि आज का आयोजन मानसून आने के पश्चात प्रारंभ हुआ है। ये खुशी की बात है कि पूरे देश में अब मानसून आ चुका है। हम सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के मंदिरों में, चाहे संसद हो या विधानसभाएं, मानसून सत्र आयोजित किए जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद संसद और कई प्रदेशों की विधानसभाओं में मानसून सत्र शुरू होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि इन सत्रों में सभी सांसद और विधायकगण लोकतंत्र के मूल मंत्र, जिसमें कहा गया है कि चर्चा, परिचर्चा और संवाद, ये लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है और उसके पश्चात निर्णय लेना। मुझे विश्वास है कि इन सभी मानसून सत्रों में, चाहे वो विधानसभाओं में हैं, चाहे संसद में हो, सभी सांसद और विधायकगण लोकतंत्र के इस मूल मंत्र चर्चा, परिचर्चा और संवाद द्वारा जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेंगे और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। सही मायनों में भाइयों और बहनों, कबीर पंथ यानी संत कबीर का रास्ता अपने आप में पंथ निरपेक्षता का मार्ग है, जिसके रक्षण के लिए हम सभी अपने संविधान द्वारा प्रतिबद्ध हैं। उनका रास्ता सच्चाई और प्रेम का रास्ता है। उनके दिखाए रास्ते को किसी धर्म, पंथ, जाति, क्षेत्र और भाषा से नहीं बांधा जा सकता। कबीर सभी के हैं। उनकी वाणी में मानवता, समरसता, सरलता, प्रेम, त्याग और न्याय की जो शिक्षा मिलती है, वही हम सबको सही दिशा में ले जाएगी। इससे समता, बंधुता और न्याय पर आधारित हमारे लोकतंत्र को और भी ताकत मिलेगी। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग कबीर साहब के प्रकटोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।